नहीं, तुम्हारा ये विशुद्धि चक्र खराब जा रहा है और तुम्हारा ये राइट हार्ट पकड़ रहा है, तुमको अस्थमा की शिकायत हो गई, श्री राम का स्थान है, श्री राम ही तुमसे नाराज है। मैं क्या करूं माता जी, मुझसे छूटता ही नहीं। ऐसी ऐसी आदतें हम लोगों ने लगा ली, जैसे कि किसी आदमी में गाली गलौच करने की आदत हो गई, लगा ली गाली गलौच और उसका कोई इलाज नहीं हुआ, तो उसने उसको फिर किसी ने कहा कि अच्छा अब आप चलिए किसी राजा के स्थान पे बैठे, तो वो वहां से ही गालियां देना शुरू कर, ये भूल जाएगा कि मैं राजा के स्थान में बैठा हूं, मुझे कायदे से बैठा, वहां से गालियां देना शुरू। उनके लिए भी स्थान है, इनको गाली गलौच की आदत है, आप लोग पार्लियामेंट में चले जाइए, काहे को लोगों को परेशान कर, वहां चल जाएगा ये काम। जिस स्थान पे आपको बैठना है उसकी लियाकत भी होनी चाहिए, ये तो जरूरी चीज है। तो पहली चीज ये है कि कुंडलिनी के जागरण के बाद अपने को तौलना चाहिए। मैं कहा हूं लियाकत का मतलब ये नहीं कि आप कौन सी मोटर में आए, या आप कौन से ढंग से बैठे, या आपने कौन से कपड़े पहने, ये लियाकत की बात है। लियाकत है अंदर की एक स्थिति, आपकी श्रद्धा। और दूसरा कि सहज योग की जो युक्ति है, योग का मतलब दो होता है, योग तो एक है कि उस परमात्मा के प्रेम की शक्ति से एकाकारिता, और दूसरा है युक्ति माने इल्म। उसका इल्म भी आपने सीखा कि नहीं, जैसे एक आपने दीप जला दिया, अब इस दीप का अगर काम है प्रकाश देना, और ये प्रकाश नहीं दे सकता तो ऐसे दीप से फायदे क्या। पर जो सहयोगी सहयोग के बारे में जानता नहीं है कि ये चक्र क्या है, वो चक्र क्या है, या इसको ठीक करने का तरीका क्या है, मेरे अंदर कौन से दोष है उसे मैं किस तरह से ठीक करूं, और जनसाधारण में जो दोष है जिनके लिए कि मैंने ये प्रकाश को पाया है उसको मैं किस तरह से प्रकाशित करूं, ये अगर विचार हमारे अंदर है ही नहीं, तो सहयोग में आकर के आप कर क्या रहे। आपको पता होना चाहिए कि सहयोग एक महान आंदोलन है, और जैसे कि बुद्ध ने कहा था कि बोधिसत्व का जमाना है, कहा था मात्रया, तीन मात्रया, और बोधिसत्व के जमाने में जो लोग बुद्ध होंगे, एनलाइटेंड होंगे, प्रकाशित होंगे, वो जनसाधारण का कल्याण करेंगे और सारे समाज में इसे फैलाएंगे। ये बंधन है, अकेले बैठ के तो शराबी भी शराब नहीं पी, फिर क्या ये अमृत आप अकेले पिएंगे। और फिर मजा आपको आएगा जब आप इसे बांटेंगे, और ये बांटने के लिए इसका इल्म होना चाहिए। जैसे कोई भी मशीन है, ठीक है, उसको आपको दे दिया भाई इसमें स्विच लगा दो और काम हो जाए, पर बाद में तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि ये है क्या चीज, ये चल कैसी रही, क्योंकि आपको जन साधारण में जाना है, सबको बताना है, समझाना है। वो कहेंगे अच्छा भाई तुमने क्या पाया, बस मुझे तो ऐसी चैतन्य की लहरें आ गई ठंडी ठंडी, बस हो गया। हाँ क्या नहीं, वैसे हमारा बिजनेस अच्छा हो गया, मेरे बहू को बेटा नहीं होता था उसको बेटा हो गया,
मेरे घर का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया आदि आदि ऐसी बातें बताएं। चलो इस पर भी कोई विश्वास करके सहयोग में आ भी गए तो जैसे एक वैसे दस, उसे फायदा क्या होने वाला है किसी को। इसलिए आपको इल्म सीखना पड़ेगा, इसकी तकनीक जिसे कहते हैं हिंदी में शब्द इन्होंने बनाया टेक्निक से तकनीक, इसकी तकनीक सीखनी पड़ेगी हर एक सहयोगी को जो बहुत ही आसानी से सीखते हैं। मैं भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हूँ, बाप रे बाप, हड्डियां लेके सोना पड़ता था, वो हड्डी के एक एक पुर्जे को याद करना पड़ता, कहीं बच्चे को काट कहीं मुर्दे को काट। 7 साल में तो कोई पास नहीं होता, तो 8-10 साल में अगर पास हो गए तो कहीं जाके आप डॉक्टर हो जाते। फिर भी अगर किसी अस्पताल में आप गए और कहा कि पता लगाओ इनको क्या बीमारियां हैं, तो आपकी पूरी अतड़ियां निकाल देंगे, आंख निकाल के धो के फिर फिट कर देंगे, दांत निकाल के फिर फिट कर देंगे और कहेंगे कोई बीमारी नहीं। लेकिन सहयोग में तो आप खड़े हो जाइए फौरन पता चल जाता, 1 मिनट में क्या तकलीफ है, फौरन पता हो जाता है कि आपको क्या तकलीफ है और दूसरे को क्या तकलीफ है। तो संवेदना अपने अंदर आनी पड़े, उस संवेदना के साथ इल्म भी आना चाहिए कि इसमें हमने अभी देखा इसको ठीक कैसे किया जाए। अभी एक साहब ने लिखा कि माँ मैं जब दूसरों को ठीक करता हूं तो मैं कमजोर हो जाता हूं, क्योंकि आप सोच रहे हैं आप कर रहे हैं, आप मेरा फोटो रख उसको ही बीमार हो जाते, मैं तो होती नहीं। कह रहा माँ तुम ही कर रहे हो गया काम पर, आप अपने ऊपर ले लेते हो तब ये प्रश्न खड़े हो जाते। नोएडा में सहयोग बड़े जोरों में बढ़ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। पता नहीं मुझे भी यहीं पे जमीन मिल गई, यहीं पे घर हमारा भी बन रहा, कुछ बात होगी नोएडा की विषय पर। यहाँ के सहयोगियों को सहयोग का इल्म कितना मालूम है वो मैं आकर जरूर देखूं। इल्म मालूम जरूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हुआ कि आप किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में ही फेल हो करते रह रहे। जब तक आपको इसमें पूरा गुरुत्व मास्टरी नहीं आ जाएगी तब तक आप सहयोग में बिल्कुल बेकार आए हैं, आपका कोई उपयोग नहीं। जंगलों में लाइट लगाने से क्या फायदा, समाज में हमको प्रकाश देना, तो अब आपको समाज में उतरना पड़ेगा, भागना नहीं है समाज से, गंदगी से भागिए पर समाज से भागने की जरूरत नहीं। आपको देख के ही आपके प्रकाशित जीवन को आपके नूर को देख के ही लोग समझ लेंगे कि ये चीज कुछ और ही है, और पूछेंगे कि भाई है क्या बात बताइए। धीरे धीरे उनकी खुद समझ में आना, किसी की जबरदस्ती करने की जरूरत है। पर समाज में जब तक आप कार्यान्वित नहीं होंगे, सिर्फ हाँ भाई मेरी तो तबीयत ठीक हो गई, मेरा बच्चा उसको भी नौकरी मिल गई, मेरा 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 जब तक चलेगा तब तक आप सहयोगी नहीं, भले ही आप मेरा बैज लगा के घूमे। हम तो चाहते हैं एक माँ तो जरूर है, लेकिन चाहते हैं कि जो कुछ हमारे अंदर है सब हमारे बच्चे इसी तरह से पनप जाए और उससे भी आगे चल जाए। उसके लिए जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार, जो भी मेहनत करेंगे वो करने को तैयार। पर मैं देखती क्या हूं
माँ मैं तो बीमारी मेरी ठीक ही नहीं हो रही, माँ मेरा यही नहीं हो रहा, वो ही नहीं, यही रोना गाना करते रहते। क्या तुम लोग सहयोग में आए हो कि क्या? सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।